ओम श्री गणेश नमः ग्रह दोष निवारण और अकाल मृत्यु से बचने के लिए। इसे कहा गया त्रिशूल। वेद शास्त्र में त्रिशूल को कहा गया है यह ब्रह्मास्त्र विद्या। अब कहीं से भी त्रिशूल ले आए ग्रह दोष प्रतिकार पाई और अकाल मृत्यु दोष उगंतिवा पाई यह त्रिशूल। अपन जे कौन से जगह त्रिशूल आनंदो। आप त्रिशूल में ये त्रिशूल को हल्दी पानी से थोड़ा धो दीजिएगा और कर्पूर मिला दीजिएगा या हाथ में लीजिएगा। एक रुपया दो रुपया पांच रुपया का लोहे का सिक्का त्रिशूल को हल्दी पानी से धो देवे कर्पूर टीके दे देवे और टोंका दी टोंका पांच टोंका सिक्का हाथ में धरी दे लुआ पैसा। यह आप किसी भी शिव मंदिर में चाहे देवियों के मंदिर में दे देते हैं तो यह एक लाख वर्ष तक आपके परिवार का रक्षा करेगा। एक लाख वर्ष तक और जन्म कुंडली में जो दुष्ट ग्रह दोष हैं वह शांत हो जाएंगे। पितृ देवता आपके जागृत हो जाएंगे। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं और ब्रह्मास्त्र त्रिशूल विद्या छोड़ता हूं। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी लोग रहे विश्व जो कौन से जगह मध्य अपन का फैमिली था ब्रह्मास्त्र त्रिशूल विद्या मुझा रहे। नंबर दो काल सर्प दोष। काल का अर्थ होता मृत्यु। काल सर्प दोष वर्ल्ड के अंदर एक ही शहर में छूट सकता है वह ओडिशा राज्य संबलपुर के नजदीक बरगढ़ शहर में। काल सर्प दोष ओडिशा राज्य संबलपुर पाखर बरगढ़ शहर रे ही छाड़ी कारण सकाले और संध्यारे शिवम का आशीर्वाद रो आम माध्यम रे दिने दीपक दास ब्राह्मण देवता प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक नमक तमक करते। उसका कारण है बरगढ़ शहर में हमारे ब्राह्मण देवता हमारे माध्यम से हर रोज सुबह और शाम रुद्राभिषेक नमक चमक महानुष्ठान शिवलिंग में करते हैं। तो जिन्हें काल सर्प दोष है कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है वहां रुद्राभिषेक नमक चमक में नाम शामिल कीजिए। उसके बाद काल का अर्थ और सर्प का अर्थ यह दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट है। दुर्गा सप्तशती आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र खोल के देखिए वहाँ एक श्लोक है रक्षांश इतरो गृहसाच नागा यत्र रोदस बलानि यत्र दावान रो यत्र तथाप्ति मित्र तत्र स्थातुं परिपाशी विश्व। वह मंत्र से ही काल सर्प दोष कटेंगे। लेकिन सिस्टम पहले शिवलिंग से आपके घर में जैसा भी दुख दरिद्रता हो पहले हल्दी को जलाएं जो खाने का आता ना गोटा हल्दी और ऑल फैमिली मेंबर्स रुद्रा के कुछ भी धारण कीजिए रुद्राक्षर। काल सर्प दोष जड़ से खत्म होगा बरगढ़ शहर में जाको काल सर्प दोष होती बिल्कुल जड़ रू खत्म होगा बरगढ़ शहर में। तो आपके जीवन में काल सर्प दोष हो पितृ दोष हो मातृ दोष हो जैसा भी दोष हो वह बरगढ़ शहर हमारे माध्यम से जो महानुष्ठान चल रहे उसमें खत्म होगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहते हो अपना और फैमिली मेंबर्स नाम मेरे व्हाट्सएप में दीजिएगा। और जीवन में आप कुछ करें चाहे ना करें शिव मंदिर और देवी मंदिर में त्रिशूल जरूर चढ़ाएं। वायुमंडल बहुत खतरनाक है और पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत राक्षसी शक्ति पिशाच छुपे हुए हैं और यही मानव को परेशान करते हैं और बीमारी में डालते हैं। वर्ल्ड के अंदर जितने भी अकाल मृत्यु हुए हैं जितने भी हार्ट अटैक मृत्यु हुए हैं यह सब राक्षसी शक्तियों का खेल है। विश्व ने जितने मध्य अकाल मृत्यु है कि जितने हार्ट अटैक मोर्चनती है राक्षसी शक्ति का खेल अच्छी। तो त्रिशूल आप अपने अपने से चढ़ाएं और घर में प्रवेश द्वार में एक नर्मदेश्वर का कंकर जरूर रखें और कुछ दाना रुद्राक्ष का ये हमने दिखाया रुद्राक्ष का पंचमुखी रुद्राक्ष ये वर्ल्ड में पंचमुखी रुद्राक्ष जहां से भी आप ले लीजिए ओरिजिनल मिलेगा। यह दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलता है और जो शिव के भक्त हैं या काल सर्प दोष वाले हैं या घर से परेशानी है आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में 3 किलो या 12 किलो जरूर चढ़ाएं। और अभी जो अक्षय तृतीया आ रहा है 10 मई को उस दिन हो सके तो 12 किलो चढ़ाएं हम आपको भेज देंगे। इसको चढ़ाने का विधि है थोड़ा कर्पूर दे दीजिएगा पूरे बंडल में और थोड़ा गेहूं थोड़ा चावल हल्दी और येलो मस्टर्ड और शिवलिंग में चढ़ा दीजिएगा। इसे कहा गया है शिव जी का महाप्रसाद। शिवंकर महाप्रसाद रुद्राक्ष को कहा जाएगी।
ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମର ବରଗଡ଼ ସହରରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ରୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ କରାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଠାରୁ 1 କୋଟି ଗୁଣା ଅଧିକ ପାୱାର ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ, ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ କରିଦିଆଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ବସ୍ରେ ଯିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ବରଗଡ଼ ସହରରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜଟା ନିଜେ କରିବେ, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜଟା ନିଜେ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦେବେ ଆମର ଦୀପକ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ପୂଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକରେ ଆପଣ ନିଜେ ବସିବେ, ତ୍ରିଶୁଲ ଚଢ଼ାଯିବ, ନାଗ ନାଗିନ ଯୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଯିବ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଚଢ଼ାଯିବ, ଲେମନ ଚଢ଼ାଯିବ, ଗହମ ଚଢ଼ାଯିବ, ଅଜସ୍ର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯିବ, ସେ ସବୁ ଫ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦୀପକ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ସିଟେଡ୍ ଖାଲି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମିଟି ଅଛି, ଆମେ ସେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପକ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସାଟା ପଠାଇଦେବୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ କରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପକ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ କରାଇବେ। ବାକି ତକ ପଇସା ବାଲାନ୍ସ ପଇସା ସେଟା ଆମେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପକ ଦାସ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପୈଠ କରିବୁ। ଆପକେ ଘର ମେଁ ଜୈସା ବି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ହେ ହଲଦି ଜଲାଏ ଔର ଆବାରା କୁତାକୁ କୁଛ ବି ଖାନେ କେ ଲିଏ ଦିଜିଏ, କିସି ବି ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ମନ୍ଦିର ମେଁ ଯାଏ ତ୍ରିଶୁଲ ଦିଜିଏ, ଗେହୁଁ ଦିଜିଏ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ ୟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କେ ଅନ୍ଦର 21 ସହର ମେଁ ହୋତା ହେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକେ ବରଗଡ଼ ମେଁ। ଯୋ ଅଭି ତକ ମେରେ ସେ ନହିଁ ଜୁଡ଼େ ହୋ, ଆପ ଅପନେ ଜୀବନ ମେଁ ଏକ ସିର୍ଫ କରବାକେ ଦେଖେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ। ସୁବହ ଶାମ ହର ରୋଜ ଚଲତେ ରହତେ ହେଁ, ଔର ଜିନକେ ଘର ମେଁ ପହଲେ ସେ କୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋ ଗୟା ହେ ତୋ ଯବାନ ମୌତ ତୋ ଓହ ପରିବାର ସତର୍କ ସାବଧାନ ରହ ଯାଏ, ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଅପନେ ଅପନେ କ୍ଷେତ୍ର ମେଁ ତ୍ରିଶୁଲ ଚଢ଼ାଏ ଔର ସରସୋଁ ତେଲ କା ଆଖଣ୍ଡ ଦୀପକ ଦେଲା। ଔର ମଇ ମହିନା ମେଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କା ଦିନ 10 ମଇ କୋ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କାଲାଣ୍ଡ ସହର କେସିଙ୍ଗା କେ ନଦୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଧନକୁବେର ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶିବାଳୟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମେଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକ ଜଲେଙ୍ଗେ ଏକ ଦିନ କା ଔର କର୍ପୁର କା ପୂଜନ ହୋଗା ୱାନ୍ ଡେ, ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଓନ୍ଲି 300 ରୁପିଜ, ଓନ୍ଲି 300 ରୁପିଆ ଏକ ଦିନ କା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକ କା, ଉସମେ ଆପ ଜିତନା ବି ଜଲାନା ଚାହତେ ହୋ ଜଲା ସକତେ ହେଁ। ଅପନା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଲି କିସି କୋ ନା ଦିଖାଏ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଲି ଗଣିତ 100% ଫେଲ ହେ, ଆପକୋ ପୈସା କା ଚାହତ ହେ, ସିର୍ଫ ପୈସା ଚାହିଏ, ମେରେ ସେ ଜୁଡ଼ିଏ, 9 ମହିନା କେ ଅନ୍ଦର କୁବେରଜୀ କା ପାଇପଲାଇନ୍ ଫିଟ୍ ହୋଗା, ପତି ପତ୍ନୀ କଲହ ହେ, ଶାଦୀ କେ ବାଦ ବଚ୍ଚେ ନହିଁ ହୋ ରହେ ହେଁ, ଆପ କିସି କେ ଜାଲ ମେଁ ନା ଫାଁସେ, ବିବାହ ମେଁ ସମସ୍ୟା, ପିତୃ ଦେବତା କେ ନାମ ସବ ତ୍ରିଶୁଲ ଦିଜିଏ ଦେବୀ ଦେବତା କୋ, ପିତୃ ଦେବତା ୟା ବନ୍ଧକ ହେଁ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି କେ ଅଧୀନ ମେଁ, ଜିନକୋ ପିତୃ ଦୋଷ ଲଗା ହୁଆ ହେ ପହଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନମକ ଚମକ ମେଁ ଆପ ସାମିଲ ହୋ ଯାଇଏ, ଫିର ୟଜ୍ଞ ହୋଗା ଉସମେ ଆପ ଅପନେ ପରିବାର କା ନାମ ସାମିଲ କିଜିଏ, ଫିର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ହୋଗା ଉସମେ ଅପନେ ପରିବାର କା ନାମ ସାମିଲ କରବାଇଏ, ଫିର ଗୟାଜୀ ମେଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆପକା କରବା ଦିଆ ଜାଗା, ୟେ 4 କୋର୍ସେସ ସେ ହି ପିତୃ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୋତେ ହେଁ। କଇ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୟାଜୀ ଚଲେ ଯାତେ ହେଁ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେକେ ଆ ଯାତେ ହେଁ, ପିତୃ ଦୋଷ ନିବାରଣ ନହିଁ ହୋତା। ଔର ହମନେ ଦେଖା କେ ପ୍ରବଚନ ଦେ ରହି ଥି ବୃନ୍ଦାବନ କି କୋଇ ଲଡ଼କି, ଓ ବୋଲ ରହି ଥି ଗୋ ମାତା କୋ ଖାନା ଖିଲା ଦୋ ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ ହୋ ଯାଏଗା, ପଣ୍ଡିତୋ କୋ ଘର ମେଁ ବୁଲା କେ ଲାଓ ଖାନେ କେ ଲିଏ ଦୋ ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ ହୋ ଯାଏ, ଓ ଝୁଟ ବୋଲ ରହେ ହେଁ ବ୍ୟାସ ପୀଠ ମେଁ ବୈଠ କେ ୟେ ଝୁଟ ବୋଲ ରହେ ହେଁ, ଇନେ କୋଇ ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧି ନହିଁ ହେ, ଔର ଜିତନେ ବି ଲୋକ ସାଧନା କର ରହେ ହେଁ କୋଇ ବି ଦେବୀ ଦେବତା କୋଇ ମନ୍ତ୍ର କା, ତ୍ରିଶୁଲ ଆପକୋ ଚଢ଼ାନା ପଡ଼େଗା ମନ୍ଦିର ମେଁ, ଲେମନ ଲେମ୍ବୁ ମେଁ ସରସୋଁ ତେଲ ଲଗା କେ ଚଢ଼ାନା ପଡ଼େଗା, ଉସକେ ବାଦ ସାଧନା କା ଶୁରୁଆତ ହୋତା ହେ, ଉପବାସ ଔର ବ୍ରତ ସେ ଆପକେ କୋଇ ବି ମନ୍ତ୍ର କା କନେକ୍ଟ ନହିଁ ହେ, କୋଇ ଦେବୀ ଦେବତା କା କନେକ୍ଟ ନହିଁ ହେ, ଆପନେ ଜିନକୋ ଗୁରୁ ବନାୟା ହେ
वह आपको बतला रहे हैं कि उपवास करो, व्रत करो, वह धोखा दे रहे हैं। गुरु अगर एक बार धोखा अगर देना शुरू कर दिया आपको, तो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी वो धोखा देगा। आत्मा किसी का स्वर्ग नहीं जा रहा है। मृत्यु के बाद आत्मा को खेत के पहाड़ों के अंदर बंधक बनाया जाता है और 1,00,000 वर्ष तक रखा जाता है। तो आपके पितृ देवता बंधक है पहाड़ों के अंदर, अगर उनको खोलना चाहते हैं, खुलवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, एक एक अक्षर बतला दूंगा। रुद्राभिषेक नमक चमक जो मई महीना में होगा, ये 5वां महीना में, 5वें महीना में आता है अक्षय तृतीया। दुर्गा सप्तशती का 5वें अध्याय में सब कुछ खेल है और रुद्राभिषेक पुस्तक 5वें अध्याय में सब कुछ खेल है। तो 5वां अध्याय रुद्राभिषेक नमक चमक, 5वां अध्याय दुर्गा सप्तशती और 5वां महीना चल रहा है, तो तीनों 5 मिलके जो है सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने 5वां महीना मई महीना में ही यह महाअनुष्ठान रखा है। 171 रुद्राभिषेक नमक चमक होंगे। 10 तारीख से हमारे 10 ब्राह्मण देवता सुबह बैठेंगे, 10 ब्राह्मण देवता शाम को बैठेंगे, 6 दिन तक 121 करेंगे। और अभी चल रहे हैं सुबह शाम, मई 1 तारीख से भी सुबह शाम चलेंगे और 16 तारीख के बाद भी सुबह शाम लाइफ टाइम चलेंगे बरगढ़ शहर में रुद्राभिषेक नमक चमक। तो उड़ीसा राज्य भाई भौनी मैंने अपन बरगढ़ जानतु रुद्राभिषेक नमक चमक करातु, गरीब लोगों को पाए मध्य कर दिया जीव, गरीब रू गरीब लोगों को मध्य बरगढ़ शहर विश्व विख्यात हो, बरगढ़ शहर ये विश्व विख्यात होगा, लोग जानेंगे बरगढ़ शहर को कि यह रुद्राभिषेक नमक चमक सिटी है। आम ओडिशा राज्य बरगढ़ शहर को लोग कहे यही शहर ना हो रुद्राभिषेक नमक चमक सिटी, रुद्राभिषेक नमक चमक एटा कोटी गुण डायरेक्ट शिवालय रु आप आशीर्वाद पाइबे। ए वीडियो को 3 लोगों को पाखो को पठांतु, जीवन रे जहां मध्ये दुख संकट समस्या अछि मते कॉल करिवे ने, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग।